हेलो फ्रेंड्स, मैं पिंकी त्यागी आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। अक्सर देखा जाता है कि कुछ लोगों को कमर दर्द की बहुत ज़्यादा शिकायत होती है, कुछ को कंटिन्यूसली कमर दर्द रहता है, लेकिन कुछ को कभी कभी कमर दर्द की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है। तो आज मैं आपके साथ अपने इस वीडियो में कमर दर्द को दूर करने के कुछ आसान और इफ़ेक्टिव घरेलू नुस्खे आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, जिनका यूज़ करके बहुत ही जल्दी कमर दर्द की प्रॉब्लम को दूर किया जा सकता है। जो सबसे पहला घरेलू नुस्खा है, उसमें हमें क्या करना है, आधी कटोरी सरसों का तेल लेना है और उसमें कुछ कलियां लहसुन की डालनी है और उसमें एक चम्मच मेथी दाना डालें और फिर उसे अच्छी तरह से पका लें। और जब वो अच्छी तरह से पक जाए, उसमें लहसुन की कलियां और मेथी दाना, फिर उसे थोड़ा सा ठंडा करें। और जब वो तेल हल्का गुनगुना रह जाए, फिर उससे अपनी कमर की मालिश करें। ऐसा रेगुलर करने से कमर दर्द में बहुत ही जल्दी असरदार परिणाम देखने को मिलते हैं। जो दूसरा घरेलू नुस्खा है, उसमें क्या करना है कि पानी को गर्म करें और उसमें एक चम्मच सेंधा नमक डालें और फिर वो जब पानी अच्छे तरह से पक जाए, फिर उसमें एक टॉवल लेकर उसे अच्छे से भिगोएं और उसे निचोड़ कर उसे अपनी कमर पर लपेट लें, उससे सिकाई लें, उसकी भाप लें कमर पर, तो इससे भी कमर दर्द दूर होता है। और आप ये भी कर सकते हैं कि गर्म पानी में नमक डालकर उससे नहाएं, तो उससे कमर को सिकाई लगेगी, जो कमर दर्द को दूर करने में कारगर सिद्ध होगा। जो नेक्स्ट घरेलू नुस्खा है, उसमें आप क्या कर सकते हैं कि अजवाइन को तवे पर हल्का सा भून लें और फिर उसे चबा चबा कर खाएं, तो ये भी कमर दर्द को दूर करने में बहुत ही ज़्यादा असरदार परिणाम दिखाता है। नेक्स्ट घरेलू नुस्खा है ये है कि आप एक कटोरी नमक लें और उसे तवे पर भून लें, अच्छी तरह से सीक लें, जब वो अच्छे से गर्म हो जाए, फिर एक कपड़ा लें और उसमें उस नमक को डालकर एक पोटली बना लें और फिर उस पोटली से अपनी कमर की सिकाई करें, जहाँ जहाँ आपको दर्द हो रहा है वहाँ वहाँ उससे सिकाई करें, तो ये भी कमर दर्द को दूर करने में बहुत ही ज़्यादा काम आता है। जो नेक्स्ट घरेलू नुस्खा है, उसमें आप ये कर सकते हैं कि हॉट वाटर बॉटल से सिकाई करें, उसे दिन में 2 से 3 बार भी आप सिकाई कर सकते हैं, तो ये भी कमर दर्द को दूर करने में बहुत ही ज़्यादा कारगर है। इसके अपोजिट आप जो दूसरा घरेलू नुस्खा है, उसमें ये कर सकते हैं कि आइस पैक लें, जो बर्फ़ के टुकड़े हैं उन्हें लें और उन्हें कपड़े में बांध लें और फिर उस आइस पैक से अपनी कमर की सिकाई करें, तो ये भी कमर दर्द को दूर करने में बहुत ही अच्छा रिजल्ट दिखाता है। जो नेक्स्ट घरेलू नुस्खा है, जिसमें कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आपको धूप में बैठना है, धूप में बैठने से कमर को सिकाई लगेगी, तो वो भी कमर दर्द को दूर करेगा। तो ये थे कुछ घरेलू नुस्खे जिनका यूज़ करके कमर दर्द को दूर किया जा सकता है। लेकिन इन घरेलू नुस्खों के साथ साथ कुछ चीज़ों का भी, कुछ बातों का भी ध्यान रखना चाहिए, जिससे कि कमर दर्द बहुत ज़्यादा ना बढ़े। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि जो लोग बहुत ज़्यादा टाइम तक एक ही पोजीशन में बैठे रहते हैं, उससे भी कमर दर्द की प्रॉब्लम बढ़ती है। इसके लिए क्या करें, हर एक घंटे बाद 5 से 10 मिनट के लिए चलें और स्ट्रेचिंग करें हर एक घंटे में, तो इससे कमर दर्द को काफ़ी हद तक रोका जा सकता है। और नेक्स्ट आप क्या कर सकते हैं, कमर दर्द की प्रॉब्लम है तो बहुत ही सॉफ्ट गद्देदार नरम सीटों पर या गद्दे पर ना बैठें ना सोएं, क्योंकि जो बहुत गद्देदार सॉफ्ट चीज़ें होती हैं वो भी कमर दर्द को बढ़ाती हैं। और जब भी रात को सोएं तो जो बहुत हार्ड गद्दे होते हैं, जो बिल्कुल भी दबते नहीं हैं, ऐसे गद्दों पर सोएं, जिससे कि आपकी कमर दर्द को बहुत ही राहत मिलेगी और कमर दर्द बढ़ेगा नहीं। अगर इन घरेलू नुस्खों को यूज़ करेंगे और इन बातों को ध्यान में रखेंगे, तो कमर दर्द की प्रॉब्लम को बहुत हद तक रोका जा सकता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा, मुझे कमेंट करके बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और इसे अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने पर एक घंटे का निशान आएगा, उसे भी ज़रूर दबाएँ, जिससे कि मैं जब भी कोई अपना नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। तो मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके, बाय, टेक केयर।